ओह गाइस आ गए क्या? तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर GTA 5 ब्रांड न्यू गेम प्ले। तो गाइस आज का गेम प्ले बहुत ज्यादा खतरनाक से भी खतरनाक होने वाला है। तो गाइस जल्दी से मैं कुछ बताने वाला तो उन्हीं जल्दी से तो यार करते हैं वो जो हमें करना है। वैसे गाइस सो मच थैंक यू यार, तुम्हें कितना यार मैं कितना कहूं, मतलब यार तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ उससे ज़्यादा तुम मेहनत कर रहे हो यार हमारे चैनल को, यार इतनी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो यार, मेरे दिल से शुक्रिया यार तुम लोगों को, दिल से यार अभी के अभी एक लाइक कर देना, बहुत दिल से शुक्रिया यार तुम लोगों को। तो गाइस सबसे पहले चलो यार 40 के हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो यार जल्दी से एक बार हम चलते हैं चौप के पास, उसके बाद हमें सिंचैन के पास जाना है यार, हमें यार गाड़ी लेके आनी अपनी। और चौप यहाँ पर क्या कर रहा है यार तू? और यार चौप ये तरह डुप्लीकेट कौन है और ये बंदर कहाँ से लिया यार तू, पागल है ये क्या हो रहा है यहाँ, सब बताया कभी कुछ? अबे यार फैन चढ़ी नहीं आते बताऊँ यार की यार मैंने छोरी छाड़ी तो चक्कर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तन बिरड़ो यार साड़ो काम बिता यार, थोड़ी छाड़ी तो चप्पल में पड़ू ही ना हूं। ये दोनों था दोनों मेरा दोस्त और यो दुपली तेत भी मेरो दोस्त और यो बंदर। अबे यार मतलब हर कोई को तू अपने घर में क्यों लेके बैठा है, मतलब भाई समझ भी नहीं आ रहा। अरे यार यहाँ पर तू क्या करने लग रहा है, तेरे को मना कर रखे यार पोटी मत किया कर। अबे यार पोटी नहीं तरूंगा तू, उसको पेट में तर लू क्या, मतलब कहीं पोटी नहीं तरूंगा क्या मैं, अपनी बोल तो यार तू बीता ऐसी बात अड़ रहा है यार प्लान तलीन। अबे जा क्या रहा है अब तू? अरे यार जा रहा हूँ यार मेरी मणि की मर्जी, मेरा घर कहीं भी डोलू। अबे यार पता है नहीं कहाँ से किसको किस किस को ठा के ला रहे हैं, चोप पहली एक काम है क्या सिंचैन और ये बंदर हो रही है, दूसरा कुत्ता भी नहीं पता कहाँ से लिया है यार पागल सा। चलो छोड़ यार सिंचैन को ढूंढते हैं, सिंचैन कहाँ है यार सिंचैन? बेबी डल मशोलेगी, बेबी डल मशोलेगी। अबे सिंचन क्या कर रहे हैं यहाँ पर? और भाई नोबिता तू कब आया यार, मतलब भाई बहुत दिनों बाद मिल रहा है, कहाँ है डोरी मोन, मतलब क्या हाल है? ओ फ्रैंकलिन भैया कैसे हो यार, तुम दिख नहीं रहा क्या, हम नाच रहे हैं। अबे यार वो मेरे को दिख रहा है, मतलब क्या हो रहा है? अरे यार सिंचन बढ़िया बढ़िया गाने गा रहा है। अबे वो मुझे भी दिख रहा है, बहुत तगड़े गाने होते हैं इसके। हाँ यार बहुत तगड़े गाने होते हैं, मजे आ गए। और सिंचैन क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पर तू इसको भी अपनी तरफ बिगाड़ रहा है, मतलब समझ में नहीं आती तेरे को एक बात है ना? फ्रैंकलिन भैया आपको कोई दिक्कत है क्या, मैं और नोबिता नाच रहे हैं तो आपको तो नाचना आता नहीं है या हमारा मूड खराब करने आ जाते हैं डेली डेली, क्या दिक्कत है पता ही नहीं, नहीं मेरे को गाना गाने देते। चलो छोड़ो ये बताओ आप रंग में भंग डालने यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? बे भूल गया कि हमारे 40 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके, तुझे एमसी लाइटनिंग क्वीन के पास नहीं जाना का? क्या 40 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं? गाइस आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, हमारे 40 के सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो चलो यार जल्दी से हमारे लाइटनिंग क्वीन को लेके आते हैं। अबे रुक तो जाओ, पहले हम वहां पर नहीं जाएंगे, अभी यार हमें बहुत तगड़ी गाड़ी चुरा कर लानी है, टायर्ड कर्नल है यार उसके, हमें गाड़ी चुरा कर लानी, बहुत खतरनाक गाड़ी है, लेस्टर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उसको चुरा के वहाँ से हम चलेंगे डायरेक्ट कॉर्न स्टॉक भैया के मेंसर पर, वहाँ से फिर हम तेरी गाड़ी को लेके घर आ जाएंगे, बस आज के लिए बस इतना ही करने वाले हम। अरे मेरे को नहीं लेके जाओगे क्या, मतलब अकेले अकेले करोगे क्या? इतनी धीरे बोलेगा तो हमारी रेल छूट जाएगी, एक काम कर तू यहीं पर रह, जैसे ही आता हूँ तेरे को वापस फोन मिला लूंगा, जा तू अपने घर चला जाए या फिर यहीं खड़ा रहे। एक काम करता हूँ मैं यहीं पर एक्शन गामिन देखता हूँ, तुम लोग जाओ। तो ठीक है सिंचैन, मैंने अपने टेलीस्कोप के अंदर देख लिया है वो कहाँ पर खड़ी है वो गाड़ी, चल जल्दी से चलना, अभी हमें जाना है एमोनेशन पे, एमोनेशन पे वो गाड़ी गाड़ी है, वहां से चलेंगे, पलंगड़ाई ले लिया यार अच्छी खासी मैंने ढंग से, तो चल यार जल्दी से चलते हैं एमोनेशन पे। आ रहा हूँ, कैसी बात है आपकी? चल यार ओ भाई ये गाड़ी किसने पलटा दी मेरी, मजे आ गई, सुमित भैया की गाड़ी किसी ने पलटा दी, मजे आ गई, ये खटारा गाड़ी पलटनी ही चाहिए थी। अबे यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, तू जल्दी से बैठ, जल्दी से चलते हैं। अबे यार लेस्टर का फोन क्यों आ रहा है, उसने बता तो दिया यार एक बार ले वो उस कर्नल की गाड़ी चुरा के लानी, और मेरे को पता भी यार गाड़ी कहाँ पर खड़ी, फिर लेस्टर फोन क्यों कर रहा है बार बार। चलो छोड़ो तो चलो यार जल्दी से चलते हो, भाई क्या स्लिप काटी है भाई साहब गाड़ी ने, मजे आ गए। सुमित भैया एक बात बताओ, हमारे गेम लैग क्यों हो रहा है? अबे यार मैं क्या बताऊँ यार, ये कंप्यूटर अपना थोड़ा लो एंड है इसलिए लैग हो रहा है। जल्दी से नया लाओ ना। अबे कहाँ जेब में रुपये धरे हैं? चलो छोड़ो अब ये बताओ जल्दी से कितनी देर में पहुंचेंगे उस लेफ्ट कंट्रोल के पास? अबे वो लेफ्ट कर्नल नहीं होता, कर्नल होता है सिर्फ। अच्छा लेफ्ट हेंटिनेंट, पर लेफ्ट हेंटिनेंट नहीं, तू पागल है, तू तो चुप ही रहा अगर, मतलब तू उससे बकवास करवा लो कितनी भी लेफ्ट हेंटिनेंट पेंटिनेंट। तो चलो जल्दी से चलते हैं गाइज। तो फाइनली मैं यहाँ पर यार मैंने अपनी गाड़ी चेंज कर ली थी, पहली बार ये जो वो गाड़ी थी ना, मतलब
भाई बहुत बकवास गाड़ी थी। वो बिल्कुल हरी हरी थी, आपको पता ही होगा मुझे हरे रंग से बहुत ज्यादा बकवास लगता है, क्योंकि फ्रैंकलिन भैया की अधिकतर गाड़ी हरे रंग भी होती है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। कहाँ जाओगे जल्दी से बताओ तो। सुमित भैया कितनी दूर आ रहा, पहुंच गए देख यहाँ पर से देख। एक तो यार फालतू क्यों एक्शन दिखा रहे हो, मतलब गाड़ी चलानी नहीं आती और ऊपर से घिसड़ा के दिखाते हो। ठीक है यार सिंचन, देख वो गाड़ी गाड़ी वहां पर थे, वो ब्लैक ब्लैक गाड़ी। ये तो बहुत बुरी गाड़ी है, इसमें आपको क्या दिख गया चुराने के लिए। अबे रुकेगा भी रुक, अभी मैं जल्दी से इस गाड़ी को पार्क करता हूँ यहाँ पर। वो जो बंदा है मतलब जो कर्नल है वो तो अभी गया एमुनेशन के अंदर, हमें इसे जल्दी से चुरा के लाना। पहले बता देता हूँ ये बुलेट प्रूफ कार है, वो बहुत तगड़ी कार है। सुमित भैया पीछे देखो ये लंगूर कौन आ गया, रुक जब इसके चश्मे उतारता हूँ। ये ले ये तेरी एस्तेसी, ले तेरी एस्तेसी, ये मैं भी मारूंगा, रुक रुको ये मरा ये मरा। अबे सिंचन मार यार, ये मेरे को मार रहे हैं। अपनी बंदूक क्यों नहीं निकालते। अबे यार मेरे पास बंदूक नहीं है यार, भूल गया मैं बंदूक लाना। हमेशा भूल जाते हो, कैसे आदमी हो तुम, पजामे हो या आदमी हो। अबे सिंचन यार तेरा पजामा और आदमी से मतलब क्या है रे, काम करता हूँ मैं, जल्दी से गाड़ी लेकर भागता हूँ यार, इनको कब तक मारेंगे। रुको मैं भी आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी, मुझे पटक दिया, क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर एक्सीडेंट कर दिया। रुको रुको बस को गाड़ी चढ़ा देता हूँ, हाँ अब ये नहीं उठेगा बिल्कुल, अब तो जिंदगी से उठ गया। जल्दी भगाओ कहीं वो कर्नल आ जाएगा और पुलिस फालतू तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, मुझे जेल नहीं जाना। हाँ ठीक है चल रहे जल्दी से। सुमित भैया मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या हो गया मतलब। आपकी साइड ही विंडो खुली है, इस साइड तो पता नहीं काला काला क्या है। अभी यही तो मतलब भाई बुलेट प्रूफ कांच है, ऊपर से यार इसमें पूरी आयरन की कोटिंग है, मतलब गोली अंदर आने का कोई चांस नहीं है। ये तो काफी बढ़िया कार है, इसको हम कहीं पर ले जा सकते हैं जहाँ पर हमें मिशन करना हो। हाँ यार वहाँ पर जैसे हम रोबरी रोबरी करने जाते हैं ना कई बार, वहाँ पर फायरिंग होती है बहुत ज्यादा, वहाँ पर ये भाई गाड़ी एक नंबर की जाने वाली है। सुमित भैया ये क्या था। अबे यही तो इस चीज के बारे में तुझे बता रहा था, जो ये लेफ्टिनेंट करना है इसने देखी थी फास्ट एंड फ्यूरियस के सामने, ये सीन नहीं है जिसके अंदर टॉम भैया की कार ऐसे आवाम उड़ती है आगे से, वही कार वही एडिशन ये। अच्छे वो वाली है तो बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है, मेरे को तो फिर से उठाना आगे से, मजे आ गए। तो गाइस इस गाड़ी के लिए अभी के अभी एक लाइक जरूर कर देना, मेरे को तो बहुत तगड़ी लगी ये वाली गाड़ी, आप लोग भी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कैसी लगी ये गाड़ी। चल यार सिंचन बहुत देर हो गई तेरे को, बताई तो रहा हूँ यार तुम्हें भी आदत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही, मतलब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है तुम्हें, पता नहीं क्या खा रहे हो, मतलब क्या मतलब सस्ते नशे करने लग गए क्या, इतने बुरे दिन आ गए। अबे ठीक है सस्ते नशे, जल्दी से चल यार। गाड़ी क्यों ठोक रहे हो यार, मतलब तुम्हें पता नहीं है यार यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास पहले टूटा फूटा है, ऊपर से आप भी टूटे फूटे। अबे कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस आता है टूटा फूटा, मेरी भाषा मुझे टूटा फूटा कहते हैं जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती। हाँ ठीक है आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करवाना होगा, तो चलो यार रद्द तो इसने मेरा ड्राइविंग लाइसेंस करवाता रहेगा ये, तो चलो यार मैं भगाते फाइनल तो आ चुका हूँ टोनी भैया के मेंशन पर, जो यहाँ पर हाईवे इनका मेन हाईवे वहाँ से मैं आ चुका हूँ, तो जल्दी से चलते हैं। यार तुम मतलब भाई तुम्हारी आदत खराब है सुमित भैया, मतलब तुम्हें गाड़ी चलानी आती नहीं और फालतू के एक्शन यहाँ पर तुम करके दिखाते हो, मतलब ये कोई बात थोड़ी है आपकी। अबे सिंचन यार मतलब भाई साहब तू इतने बड़े बड़े शब्द बोल रहा है और अपनी तू लैंग्वेज भूल रहा है धीरे धीरे करके, क्या करूँ मैं धीरे धीरे इंटेलिजेंट होता जा रहा हूँ ना। अबे ठीक है इंटेलिजेंट की पूछ, पढ़ना लिखना आता नहीं है, बकवास कर रहा है। खुद की तो बताते नहीं है, स्कूल वाले ने शिकल दे के दाखिला ही नहीं दिया, मैं कम से कम किंडरगार्टन में तो पढ़ रहा हूँ। अबे वो किंडरगार्टन होता है, वही बात, और आप भी गलत बोल रहे हो, किंडरगार्टन होता है अंडरगार्टन कुछ नहीं होता है। बकवास मत करो अब जल्दी से चलो, मेरी गाड़ी मेरी एमसीलेट मिक्वीन कहाँ है तू, मिल जा मेरे को। मेरी गाड़ी यहाँ रही। ये टोनी भैया यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अबे यार टोनी भैया मतलब क्या कर रहे हो। अबे यार अब मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, ये इस गाड़ी में मैंने अपनी सारी टेक्नोलॉजी लगा दी है, इसका इंजन भी मैंने चेंज कर दिया है, पर यार ये बोल नहीं पा रही, अब तो भगवान भरोसे है। आपकी साइंस में तो भगवान कुछ होता ही नहीं है। नहीं यार अभी भगवान भरोसे है, ये गाड़ी बोलेगी या नहीं बोलेगी। आप ऐसा मत कहो ना, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ सिंचन, जैसा मैंने कहा था 40 के सब्सक्राइबर भी हो चुकी है, पर अब यार भगवान भरोसे अगर इसमें जान आ पाती है या नहीं आ पाती है। यार ऐसे मत करो यार टोनी भाई, यार कुछ करो यार, ऐसे थोड़ी चलेगा यार, मतलब यार हमारे सब्सक्राइबर ने 40 के सब्सक्राइबर पूरे करवा दिए, मतलब जो तुमने कहा वो हमने किया। सिंचन ये कल रात से नहीं सोया इस गाड़ी के लिए यार, अब तुम ये कह रहे हो कि अब चल नहीं रही यार, ऐसे कोई सही बात नहीं यार तुम्हारी। अब यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता जल्दी से मैं गाड़ी में बैठता हूँ। चलो सुमित भैया जल्दी गाड़ी में बैठो, हम यहाँ से चलना है, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। एक काम करो आप जल्दी से बताओ, अब हमें दूसरी गाड़ी कहाँ से चुरानी है जो आप कह रहे थे।
अबे यार दूसरी गाड़ी मिलिट्री बेस से चुरानी है, जल्दी चलो फिर मिलिट्री बेस चलते हैं। अरे पहले रुक जा, इस वाली गाड़ी को घर खड़ी कर यार, फालतू में इसको हम वहां पर कहीं डैमेज करवा लेंगे। जाओ तुम लोग जाओ, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ इस गाड़ी को चलाने में। अबे यार सिंचन तेरे को यार रिवर्स में, भाई साहब रिवर्स में तेरे को कब आई गाड़ी चलानी? आप मेरे बारे में जानते क्या हो? मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ गाड़ी चलाने में। हाँ भाई साहब अभी कभी एक लाइक कर देना सिंचन के लिए, इतनी मस्त गाड़ी चलाने की। भाई रिवर्स में गाड़ी चलाता है बंदा, देखो यार क्या मुझे भी नहीं आता यार रिवर्स में गाड़ी चलानी। अब मेरी इतनी ज्यादा तारीफ भी मत करो। हाँ ठीक है तेरी तारीफ और तू सब पदोड़ा कहीं का। अब और भी ज्यादा तारीफ मत करो, एक तो आप मुझसे चिढ़ते हो ना, मेरे पास मेरा सुपर बूपर ब्लास्टर है। हाँ तेरा सुपर बूपर ब्लास्टर, मुझे पता है तेरा सुपर ब्लास्टर कितना तगड़ा है। अब जल्दी से चलो घर चलते हैं। तो गाइस जल्दी से चलो घर चलते हैं। सुमित भैया अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि आपने कहा था अगर मैं 40K सब्सक्राइबर पूरी करवा देता हूँ तो आप मेरी गाड़ी में जान डाल देंगे और मेरी गाड़ी मुझसे बातें करेगी और हम साथ में पा देंगे। पर अब आप ये कह रहे हो, सॉरी टोनी भैया ये कह रहे हैं कि अब मेरे बस की नहीं है, ऐसे थोड़ी चलता है, मतलब आप मेरा प्रॉमिस तोड़ रहे हो। उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ा, ऐसे थोड़ी होता है, इससे हम क्या सीख पाएंगे। अब यार वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं हरसिंचन। नहीं उन्होंने जैसा कहा वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। चलो यार अब जल्दी से घर चलते हैं। तो यार अगर आप चाहते हो यार सिंचन की कार में यार कैसे करके जान आ जाए, तो यार अभी कभी लाइक कर देना यार, दुआ करो यार वो उस कार के अंदर जान आ जाए भाई, वो बोलने लगे, अभी कभी लाइक कर देना यार अभी कभी। तो गाइस जैसे कि मैं भगाते भगाते आ चुका हूँ हमारे घर के पास वाली गली में, और यहाँ पर पता नहीं ये कचरा हमेशा रहता क्यों है, कोई उठा के नहीं लेके जाता है। अबे यार हमेशा कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है, पर ये भाई इधर मोहल्ले में इतने कचरा करते, इतना कचरा करते क्या बताऊं। खुद की तो बताते नहीं है, खुद ही पूरे कचरे के डब्बे हैं। सिंचन बकवास मत कर, बहुत देर हो गई तेरे को, ठीक है ना? सच्चाई कहते हैं ना, सच्चाई सबको कड़वी लगती है। हाँ सच्चाई कड़वी, जल्दी उतरो यार, जल्दी चलते यार सेकंड गाड़ी चुराने के लिए। पर ये तो बताओ अब हम गाड़ी कौन सी लेके जाएंगे, हमारे पास तो और कोई गाड़ी है ही नहीं। अबे सही कह रहे यार सिंचन, यहाँ पर यार हमारी और कोई गाड़ी है नहीं यार, वो नीली वाली गाड़ी पता नहीं यार कहाँ पे गई। अब हम कैसे जाएंगे, एक काम करते इस वाली को रोकता हूँ, वो भी चली गई, अब हम क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलो यार यहाँ पर मुझे कोई गाड़ी दिख ही रही है यार, वो बंदा कौन है ऊपर? भाई मुझे गाड़ी दिख रही है, मैं उसको लेने जा रहा हूँ, रुको यार मेरे को कोई गाड़ी दिख रही है, रुको इसके पास चलते। भाई ये बंदा कौन है, वेव्स कर रहा है यार हमारी तरफ। ओ भाई साहब ये क्या करिश्मा है, वो बंदा कहाँ गया? ओ भाई वो बंदा मुझे पेनीवाइज जैसा क्यों लग रहा है? गाइस आपको क्या पेनीवाइज जैसा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आपको क्या हो गया, आपको हर जगह पेनीवाइज ही पेनीवाइज दिख रहा है यार, तुम भी ना कैसी कुसी सस्ते नशे करोगे तो ऐसा ही हाल होगा, महंगे नशे करो ना, अंग्रेजी दारू पियो, क्यों फाल तुम्हें सस्ती सस्ती और क्या कहते हैं देसी कच्ची दारू पीते हो, बकवास करते हो। अबे यार सिंचन तू बकवास मत कर। इसके अंदर तो पैराशूट है गाइस, देखो यार इसके अंदर तो पैराशूट भी है। यार भाई साहब इस गाड़ी के अंदर पैराशूट कहाँ से आया, मतलब ये गाड़ी तो 90s की है। पैराशूट कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ओ भाई साहब मतलब इसके अंदर पैराशूट है, तो मतलब भाई एक बुलेट प्रूफ कार भी होगी। एक्चुअली यार सही में ये बुलेट प्रूफ कार मेरे को लग भी रही है। तो चलो यार ये कार मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली मिलिट्री बेस के अंदर, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा काम आएगी वहाँ पर, क्योंकि गाड़ी फूटने वाली तो है नहीं, क्योंकि यार उस वाली गाड़ी जो हम चुरा के लाए थे टोमी भैया वाली, वो भी बुलेट प्रूफ थी और उसके अंदर भी पैराशूट था। यार इसके अंदर भी पैराशूट है और इसके अंदर मेरे हिसाब से बुलेट प्रूफ होगी। तो चलो यार चेकिंग तो क्या करते हैं, देखो यार अभी ये ठुकी है पर ये टूटी नहीं बिल्कुल, मेरे हिसाब से बुलेट प्रूफ कार है मेरे हिसाब से। सिंचन तेरे को लगता है बुलेट प्रूफ है? हाँ मेरे को भी लग रहा है ये बुलेट प्रूफ है, आज तो मजे आ जाएंगे, मतलब एक के साथ एक गाड़ी फ्री। अबे वैसे इतनी कुछ खास गाड़ी नहीं है, चलो यार पर बुलेट प्रूफ है तो हम दूसरी गाड़ी चुराने जा रहे हैं। असल में दूसरी गाड़ी हम चुराने नहीं जा रहे, वो असल में एक टैंक चुराने वाले हैं, मिलिट्री का सबसे खतरनाक टैंक है, जो सबसे हाईएस्ट वेपन है उनका जो टैंक में, वो आज हम चुराने वाले हैं। यार एक बात पहले कह देता हूँ सुमित भैया आपको, मुझे वहाँ पर फंसवा मत देना, पहले कह रहा हूँ, एक तो आपके साथ में चलता हूँ और ऊपर से कहीं मुझे फंसवा मत देना। हाँ ठीक है कभी फंसाया है क्या तेरे को? तो गाइस देखो इनको कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं, एक दिन चौक का इन्होंने खाना खा लिया और मेरा नाम लगा दिया कि सिंचन ने खाना खा लिया, और मैं तो बासा खाना खाता भी नहीं हूँ, इनको ही पता नहीं क्यों बासा खाना इतना अच्छा लगता है, मैं तो चोको चिप्स और पुडिंग के अलावा कुछ भी नहीं खाता हूँ।
अबे ठीक है तो सिंचन, अब भाई बिल्कुल हाइट पे आ चुका। अब देख मेरा प्लान सुन, हम कैसे जाएंगे मिलिट्री बेस के अंदर। अगर हम रोड टू रोड जाएंगे मिलिट्री बेस के अंदर गाइज, तो वहाँ पर आ गई हमें जो मिलिट्री फोर्स खड़ी पाएगी, तो वो हमें अंदर जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली। तो मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ से सिंचन अपना बूस्ट लगाएगा, मतलब पाद का बूस्ट लगाया, और यहाँ से हम जैसे ही हमारी गाड़ी उड़ेगी मैं अपना पैरासूट ओपन कर दूंगा लाइक ऐसे। देखो जैसे अभी देखो गाइज हमारा प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल है, अब हम डायरेक्ट मिलिट्री बेस के अंदर लैंड हो जाएंगे। मजे आ गए। मुझे मालूम क्या कर दिया, पैरासूट कहाँ गया? अबे मैं मजाक कर रहा था, ये रहा पैरासूट। ऐसे मत करा करो, मेरे पेट में अटैक हो जाता है। अबे वो पेट में अटैक नहीं, हार्ट अटैक होता है। नहीं मेरे पेट में अटैक होते हैं, मेरे पेट में गुड़गुड़ होती है और मैं फिर पाता हूँ। अबे सिंचन तू तो भाई इंसान थोड़ी है यार, मतलब तेरा क्या बताऊँ मैं। कुछ छोड़ यार, फिर तू कहेगा मेरे को उल्टी गाड़ी मिलेगी कमेंट बॉक्स में अगर तेरे को कुछ कहा। चलो आप में दिमाग तो आ गया यार, इस चीज़ की लाइक जरूर कर देना, सुमित भैया के अंदर दिमाग तो आ गया है। तो चलो यार अब आ चुका हूँ मिलिट्री बेस के ऊपर, मैं जल्दी से इस वाली के ऊपर उतरता हूँ यार, जहाँ तक पता नहीं लगना चाहिए मिलिट्री बेस वालों को। अबे यार इनको कैसे पता लगा यार यहाँ पर मिलिट्री बेस में मैं आ चुका हूँ। ये मिलिट्री वाले हैं, इनको सब पता लग जाता है। तो चलो यार मैं जल्दी से यहाँ से उतर चुका हूँ यार, अब मुझे वो टैंक नहीं दिख रहा है कहाँ पर है टैंक, कहाँ पर भाई साहब वो टैंक कहाँ है, इनको उड़ाता। लो भाई साहब सारे के सभी को मार दिया। सुमित भैया और मारो मेरे को तो मजे आए। ओ भाई साहब मुझे वो टैंक खड़ा दिख रहा है। ओ भाई वो सुमित भैया गोली आर पार कैसे आ रही है, आप तो कह रहे थे ये बुलेट प्रूफ कार है। अबे भाई मेरे को कुछ नहीं पता ये बुलेट प्रूफ कार है यार, ये बुलेट प्रूफ कार नहीं है भाई साहब, भाई किसी ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, मतलब भाई किसी ने जानबूझ के ये कार वहाँ पर खड़ी की है जिससे हम इसे लेके जाए और हम इसके ऊपर बिलीव करें कि ये बुलेट प्रूफ कार है। भाई साहब उसे हमारे प्लेन के बारे में कैसे पता चला हम यहाँ पर जा रहे हैं भाई साहब। ओ भाई अब बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली, भाई पैंजर आ चुका है, पैंजर तो इसको फाड़ देगा। ओ भाई साहब फाड़ दी गाड़ी। तू फ्रैंकलिन भैया मैं मर जाऊँगा। ओ भाई सिंचन, सिंचन कहाँ गया, इस गाड़ी के अंदर सिंचन नहीं है। सिंचन कहाँ गया तू, सिंचन सिंचन कहाँ है तू, सिंचन अरे कहाँ है यार सिंचन कहाँ गया। भाई साहब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है यार, मेरे पास गन भी नहीं है यार, मैं यहाँ पर इन्होंने पकड़ लिया हूँ। तो गाइस यार सुमित भैया को सरेंडर करना पड़ गया है और मुझे भी साथ में सरेंडर करना पड़ गया है। तो गाइज हम फंस चुके हैं यहाँ पर, अब यार मुझे जेल जाना होगा। मैं तो अभी 5 साल का हूँ, मुझे भी जेल जाना पड़ेगा क्या? हाँ यार तुझे बाल सुधारक वाली जेल में लेके जाएंगे। मैं नहीं जाऊँगा। बस सिंचन ऐसे मत कर, फालतू फायरिंग कर देंगे तेरे ऊपर। नहीं मैं नहीं जाऊँगा। रुको यार मैं काम करता हूँ, मैं बैठ ही जाता हूँ, फालतू कोई दिक्कत हो गई तो यार फालतू कोई दिक्कत। सुमित भैया लाइटिंग क्वीन आ गई मेरी गाड़ी। सिंचन जल्दी बैठ गाड़ी के अंदर। ओ गाइस यार लाइटिंग एमसी क्वीन आ चुकी है, भाई साहब कैसे गाड़ियों को उड़ा दिए। जल्दी बैठो सिंचन, हमें यहाँ से निकलना है जल्दी। रुको फ्रैंकलिन भैया को भी लेना है। अच्छा इनको भी लेना है, जल्दी निकलो, मैं बाद में बताता हूँ सबको, जल्दी मिलिट्री बेस से निकलो वरना मारे जाएंगे। आप तो बुलेट प्रूफ होंगे। हाँ मैं बुलेट प्रूफ हूँ पर यार दिक्कत हो सकती है, जल्दी से निकलो यहाँ से। ओए काले कलवे, ड्राइविंग सीट पे हैंडल रखा है उसको हाथ मत लगा दियो, मैं कौन ड्राइव होगा। सॉरी सॉरी यार मैं गलती से यार गाड़ी को ड्राइव करने लग गया, मैं भूल गया था ये अपने आप चलती है। हाँ आगे से ऐसी गलती बिल्कुल मत करियो। तू भी कैसे चल रही है मेरी लाइटनिंग एमसी क्वीन, तू भी कैसे फ्रैंकलिन भैया के साथ चल रही है, बिल्कुल उनकी जैसी ड्राइविंग हो रही है। मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर इतनी सारी मिलिट्री फोर्स आ चुकी है, मैं क्या करूँ, कहाँ से निकलूँ। अब मैं भी एक कार ही हूँ, अब मुझे निकलना होगा। रुको मैं दिमाग लगाती हूँ, यहाँ से मैं जैसे ही घुमाती हूँ गाड़ी को हम यहाँ से निकल जाएंगे। रुको यार यहाँ से मुझे गैप दिख रहा है, वहाँ से हम निकल जाएंगे। लो हम निकल गए, ये पावर तो मेरे अंदर नहीं है, ये बूस्ट कहाँ से लगा। ये बूस्ट मैं लगा रहा हूँ। वाओ तुम्हारे पास ये सुपर पावर्स कहाँ से आई। अबे यार लाइसमेंट क्वीन ये कोई सुपर पावर नहीं, ये इसका पाद है। ये पाद क्या होता है। अबे जैसे तेरे साइलेंसर में से धुआं निकलता है ऐसे इसके पिछवाड़े में से धुआं निकलता है। ये क्या बकवास कर रहे हो, इंसानों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कब से विकसित हो गई। ये टेक्नोलॉजी मेरे ही पास है और किसी के पास इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी नहीं है। ओ काश मेरे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी होती।
फ्रैंकलिन भैया आप क्या कर रहे हो, बार बार उंगली निकाल के बाहर पर उन्हें क्यों बिछा रहे हो फालतू में? आपको पता ही है वो पहले हमारे पीछे पड़ रहे, फालतू में ऐसे और कर देंगे। रुको, यहाँ से मैं कूद आता हूँ और हम बच जाएंगे, पुलिस हट जाएगी। मारोगे क्या? एमसी लाइट में क्वीन, तुम्हारे अंदर भी पैराशूट लगा दिया है क्या? हाँ, टोनी स्टार्क ने मेरे अंदर ऐसे परफॉर्म किया है कि मेरे पास भी पैराशूट है। लो, पुलिस भी हट चुकी है, काफी इजी। लो, तुम अब स्केटबोर्ड देखो। गाइस, जैसे कि तुम देख सकते हो स्केटबोर्ड की तरह इन्होंने ड्रिप किया यार, मुझे बहुत तगड़े लगा है। फिर से करना ही स्लाइडिंग। नहीं, मेरे नीचे से पिछवाड़ा घुसता है। अबे वो घिसता होता है, तू भी यार सिंचैन की तरह बोलती है, लाइटनिंग एमसी क्वीन बिल्कुल पागल हो गई। चुप रहे, स्पीड हूँ मैं, स्पीड, आई नीड स्पीड। हाँ स्पीड, अब जल्दी से घर चलो यार, फाइनली पुलिस तो हट चुकी है यार, पर अब हमें जल्दी से घर पहुँचना है वरना कोई भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यार ये बिल्कुल दिखने में भाई मतलब सबसे अलग ही दिखेगी ये गाड़ी, सब में सबसे अलग दिखेगी ये गाड़ी। और एक तो भाई ये बोलने वाली कार है यार, मतलब कितना ज़्यादा अजीब है। मतलब क्या अजीब है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, ठीक है ना? लो यार भाई साहब, चोप चोप का दोस्त और साथ में सिंचैन, अभी ये कार, भाई सब मेरा मिलकर खोपड़ा खाएंगे। खोपड़ा खाने का क्या मतलब है तुम्हारा फ्रैंकलिन? वैसे तुम काले हो और मैं लाल हूँ, तुम में और मुझ में बहुत ज्यादा अंतर है। चलो घर आ चुके हैं। लाइटनिंग एमसी क्वीन, ये बताओ तुम्हें कैसे पता ये हमारे घर है? टोनी स्टार्क ने सारी टेक्नोलॉजी मेरे अंदर स्टोर कर दी है, जिससे मुझे तुम्हारी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पता है, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम बोला, सिंचैन फ्रैंकलिन, और तुम मेरे बॉस हो। मैं किसी का बॉस बन गया, मजे आ गए। वैसे मैं सुमित भैया का भी बॉस ही हूँ। हाँ ठीक है सिंचैन, तो चलो यार घर तो आ चुके। अब सिंचैन ये बता, अब तू यार क्या कहना चाहेगा यार अपने दोस्तों के यार, मतलब उन्होंने इतना तो प्यार दिखाया यार, मतलब कुछ कहेगा यार, अब दो शब्द बताएगा? तो गाइस क्या कहूँ, तुम लोगों को बहुत 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 थैंक यू, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुम लोगों का प्यार देख के मेरी आँखों में आंसू आ गए। अबे झूठे, कहाँ आ गए तेरे आंखें में आंसू? अगर मैं रो पाता G5 के अंदर तो मैं जरूर रो पड़ता, पर क्या करूँ, गेम वालों ने मेरे आंसू ही नहीं दिए हैं। तो गाइस आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो गाइज मुझे डिस्कॉर्ड पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में आपको दो चैनल्स की और लिंक मिलेगी, अगर आपको मेरे जैसे गेम प्लेस और देखने हैं तो आप उनको भी चेक कर लेना। मिलेंगे और कोई गेम प्ले में, जब तक लिए बाय बाय। Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.